नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत फूंकने में लगे हुए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया है। रविवार को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री अतुल जोशी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता और पूर्व राज्य मंत्री अतुल जोशी ने दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के मुद्दों पर बातचीत हुई। आपकी सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना आंदोलनकारियों ने की थी उसे आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से पूरा किया जा सकता है। रोल नमस्कार, मैं अतुल जोशी आज रानी खेत से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद आज मेरी मुलाकात दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुई। उनके साथ विधानसभा स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी भी मौजूद थे। उत्तराखंड के विषय में कई चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने के साथ मेरी चर्चा हुई और मुझे लगा कि उत्तराखंड का जो विजन था वो बहुत बेहतरीन है। जिस तरीके से मैं युवावस्था से ही आंदोलन में कूद पड़ा था उत्तराखंड के, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस विजन को कौन आगे ले जा सकता है, आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर मुझे महसूस हुआ कि उत्तराखंड की जो परिकल्पना हम आंदोलनकारियों ने की थी वो पूर्ण होती हुई नजर आएगी। इसलिए मैं आज मीडिया बंधों के माध्यम से कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में मैं आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मजबूत करने के लिए पूरे प्रयास करूँगा, जिससे हमारे उत्तराखंड का विकास और जो हमारी परिकल्पना है, जो हमारी प्रकृति की चीज़ें हैं, जो हम सोच के उत्तराखंड आंदोलन में कूदे थे, वो पूर्ण करने में अरविंद केजरीवाल जी उत्तराखंड को पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि अतुल जोशी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में लगातार जुड़े हुए थे, लेकिन उनके अचानक पार्टी छोड़ने के फैसले से कांग्रेस के दिग्गज नेता भी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अतुल जोशी पार्टी में भेदभावपूर्ण रवैये के कारण नाराज चल रहे थे। अभी के लिए इस खास खबर में इतना ही। आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।